हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था कि हाइड्रोजन किससे प्रिपेयर किया जा सकता है। मैंने आप लोगों को तीन चीज़ें बताई थी कि हाइड्रोजन होता है उसको हम वाटर से प्रिपेयर कर सकते हैं, स्टीम से प्रिपेयर कर सकते हैं, एक और एल्केलीज से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन का प्रिपेरेशन कर सकते हैं। ओके, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो पार्ट हमने कवर कर लिए थे, पहले तीन हमने क्या पढ़ी थी, मेटल्स पढ़ी थी कि उनके थ्रू क्या किया जा सकता है, हाइड्रोजन को प्रिपेयर किया जा सकता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन का प्रिपरेशन वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से कैसे हो सकता है। ओके, तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का प्रिपेयर हम वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से कैसे कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, अब वाटर का क्या करना है, हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। ठीक है, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस की आपको मैं रिएक्शंस ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में, चैप्टर्स में बता चुकी हूँ। ओके, तो हमें पता है कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है। जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी वाटर लेके उसका, वाटर का मॉलिक्यूल लेते हैं, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रिक उसमें पास करते हैं, तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास में क्या मिलती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का इससे क्या हो रहा है, प्रिपरेशन हो रहा है, क्योंकि हमें वाटर के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू क्या मिल रही है, हाइड्रोजन मिल रही है। तो हम बोल सकते हैं कि किसका प्रिपरेशन हो रही है, हाइड्रोजन की प्रिपरेशन हो रहा है। देखो, हाइड्रोजन कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर फ्रॉम वॉटर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस आफ्टर एसिडिफाइंग इट विद सल्फ्यूरिक एसिड। द वॉटर डिकम्पोज टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द हाइड्रोजन गेट्स लिबरेट एट द कैथोड एंड ऑक्सीजन एट द एनोड। ओके, कैथोड और एनोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। शायद मैंने आपको ये पहले भी बता रखा है कि कैथोड और एनोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से सेटअप होता है। यहाँ पे आपका वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसमें आपके पास में कैथोड एंड इलेक्ट्रोड प्रेजेंट, एनोड इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं। ओके, इन दोनों के कैथोड एंड इलेक्ट्रोड से क्या होती है, वायर जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, उससे क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू वाटर का ब्रेकडाउन होता है। और वो किस पे, किस में ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक हो जाता है। ओके, तो समझ आया, इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या मिलता है हमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब आपको देखना होगा कि हाइड्रोजन होती है वो कैथोड पे लिबरेट होती है और ऑक्सीजन एनोड पे लिबरेट होती है। ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू कैथोड पर क्या मिलता है हमें, हाइड्रोजन गैस मिलती है, और एनोड किस पे, एनोड पर क्या मिलती है हमें, ऑक्सीजन गैस मिलती है। ओके, समझ आया। चलो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम एसिड्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। अब हमें देखना है कि हाइड्रोजन की प्रिपरेशन हम किससे कर सकते हैं, एसिड के थ्रू कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन होती है वो उसके डाइल्यूट एसिड से क्या कर सकते हैं, उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको याद हो तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर वाली जो रिएक्टिव मेटल्स होती है वो नीचे वाली मेटल से क्या कर सकती है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है। देखा था हमने कि ऊपर वाली मेटल्स क्या कर सकती है, नीचे वाली मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकती है। तब ये मेटल्स जब इनको डिस्प्लेस कर सकती है तो हमें क्या देखना है कि एसिड से कौन सी मेटल उसके हाइड्रोजन को क्या कर सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है। जो भी डिस्प्लेस करेगी वो उसके थ्रू क्या बना देगी, हाइड्रोजन का प्रिपरेशन कर देगी। ओके, चलो देखते हैं, मेटल्स विच आर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन हाइड्रोजन दैट इज लाई अबाउ हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज रिएक्ट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। समझ आया, अपनी जो रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है, जो भी रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें ऊपर जितनी भी मेटल्स प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है, वो क्या कर सकती है, किसी भी एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है, हटा सकती है। ओके, ठीक है, और जो नीचे प्रेजेंट हो सकती है, नीचे प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन के,
वो एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर सकती है हाइड्रोजन को, ओके? लेकिन जो ऊपर प्रेजेंट है वो आसानी से नीचे वाली मेटल्स को क्या, नीचे वाले हाइड्रोजन को क्या कर सकती है, हटा सकती है, ठीक है? जो हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है वो एसिड से हाइड्रोजन गैस को हटा सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है। रिएक्टिविटी सीरीज में हमने ये बात पढ़ी थी, जब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, ठीक है? चलो अब देखते हैं आगे। सबसे पहले आता है वेरी एक्टिव मेटल्स, हाइड्रोजन नहीं आएगा यहाँ पे, मेटल्स आएगा, ओके? जो सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, देखो कौन कौन सी होती है, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, विच आर ऑन टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स विथ एक्सप्लोजिव वायलेंस, हेंस दे आर नॉट यूज फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, हमने बात की थी सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है, हाईली रिएक्टिव होती है और इनकी जो रिएक्शन हम करवाते हैं वो हाइड्रोजन लिब्रेट तो करती है वाटर के साथ में रिएक्शन करवाने पर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वायलेंट रिएक्शंस होती है, इसलिए हम इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। पढ़ी थी हमने ये बात, ये बात यहीं पे बताई जा रही है कि ये टॉप पर भी आती है और एसिड से हाइड्रोजन को हटा सकती है, एसिड से हाइड्रोजन को बिल्कुल हटा सकती है, लेकिन हम इन्हें यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते हैं हम इन्हें? क्योंकि ये जो वेरी एक्टिव मेटल्स हैं तो ये क्या होती है, वायलेंट होती है, जैसे इनकी रिएक्शंस होती है ये बहुत ज़्यादा वायलेंट रिएक्शंस होती है, इसलिए हम लोग इनका यूज़ हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने में नहीं करते हैं, ओके? चलो अब देखते हैं लेस एक्टिव मेटल्स के बारे में। लेस एक्टिव मेटल्स होती है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। ये क्या करती है, डाइल्यूट एसिड लाइक HCl और H2SO4 के साथ में रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करती है, ठीक है? एंड हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेशन के साथ में ही ये क्या करती है, उनके रेस्पेक्टिव सल्फेट साल्ट का भी क्या करती है, प्रिपरेशन करती है। देखो आपको यहाँ पे रिएक्शन नजर आ रही होगी, ठीक है? क्या रिएक्शन है, मैग्नीशियम है, उसने क्या किया, H2SO4 के साथ में रिएक्शन करी और ये हमारे पास में है डाइल्यूट, ओके? डाइल्यूट है, इसकी रिएक्शन करने पर हमारे पास में क्या बना, MgSO4। मैग्नीशियम ने क्या किया, एसिड से हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो हाइड्रोजन इधर आ गई, तो हमने किसका प्रिपरेशन किया, हाइड्रोजन का प्रिपरेशन किया, हाइड्रोजन बना ली किसके थ्रू, लेस एक्टिव मेटल की रिएक्शन एसिड से करवा के, डाइल्यूट एसिड के साथ में, तो समझ आ गया। अब इस रिएक्शन में हुआ क्या है, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल प्रेजेंट थी, दैट इज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन्होंने क्या किया, उस एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ रखी है, ठीक है? रिएक्शंस में जो चैप्टर था अपना, उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कवर कर रखी है। चलो अब देखते हैं आगे एक टेबल, ये आपको एक टेबल नजर आ रही होगी, ठीक है? इसके अंदर आपके पास में मेटल्स प्रेजेंट है जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो भी, और जो हाइड्रोजन के नीचे है वो भी, एक्टिविटी सीरीज में आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, ठीक है? ये हाइड्रोजन, ठीक है? हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी है आपको दिख रही होगी, ये क्या होती है, रिएक्टिविटी इनकी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो ये जितनी भी मेटल्स है सब एसिड के साथ में रिएक्ट करके क्या कर सकती है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है, हटा सकती है। समझ आया, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है, ओके? तो देखो ये टेबल आप याद रखोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सी हाइड्रोजन से ऊपर आती है और कौन सी एसिड से हाइड्रोजन को हटा सकती है, ठीक है? देखो ये तीनों मेटल्स दे रखी है, डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड विथ एक्सप्लोजिव वायलेंस, तो हम इनको प्रीफर नहीं करते हैं क्योंकि ये रिएक्शंस क्या होती है, बहुत ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन होती है, ओके? नेक्स्ट देखो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड विथ लेस वायलेंट, ठीक है? तो जो ये रिएक्शंस होती है वो कम वायलेंट होती है एज कंपेयर टू तीन जो मेटल्स ऊपर प्रेजेंट है,
पोटेशियम सोडियम एंड कैल्शियम, इनके कंपैरिजन में ये ज़्यादा क्या होती है, कम वायलेंट होती है, तो इन रिएक्शन को हम क्या करवा सकते हैं, प्रीफर करते हैं, ठीक है, उनके कंपैरिजन में। समझ आया? चलो अब नेक्स्ट देखो, फेरस और लेड डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड स्लोली, ठीक है। आयरन होता है वो बिल्कुल आसानी से स्लोली स्लोली क्या करता है, उसको डिस्प्लेस कर सकता है, बहुत धीरे धीरे रिएक्शन होती हैं। अब हम यदि बात करें किसकी, लेड की, तो देखो डिस्प्लेस हाइड्रोजन ओनली विथ हॉट एंड कंसनट्रेटेड एसिड, ये सब तो डायल्यूट एसिड को कर रहे थे जो भी ऊपर हमने पढ़ी, लेकिन जो लेड होता है पीबी होता है, ओके, ये हमेशा हॉट एंड कंसनट्रेटेड एसिड है आपके पास में, उसी से वो हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, डायल्यूट एसिड से नहीं कर सकता है। समझ आई? तो जो लेड होता है पीबी होता है वो किससे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, हॉट एंड कंसनट्रेटेड एसिड, ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब ये जितनी भी आती है हाइड्रोजन से नीचे वो डिस्प्लेस एसिड से हाइड्रोजन को नहीं कर सकती है, तो ये आपकी एक्टिविटी सीरीज भी है, ठीक है, और इसमें कौन सी किस को किस में से डिस्प्लेस कर रही है वो भी हमने देखा है, ठीक है। तो आपको ये टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, जितनी अच्छे से लर्न होगी उतना अच्छे से आप पहचान पाओगे कि किस एसिड में से हमें हाइड्रोजन हटानी है या नहीं हटानी है, कौन सी मेटल ऊपर आ रही है तो वो हटा सकती है और कौन सी नीचे आ रही है तो वो नहीं हटा सकती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखो, जिंक इज द मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 ड्यू टू द फॉलोइंग reasons। अब बोला जा रहा है कि एक स्टेटमेंट बोला गया, जिंक है वो मोस्ट सुटेबल मेटल होती है, कोई भी डाइल्यूट एसिड आपको गिवन है उससे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने में, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन की प्रिपरेशन के लिए, फॉर्मेशन के लिए जिंक सबसे ज़्यादा सुटेबल मेटल होती है। ऐसा क्यों होता है कि जिंक की सबसे ज़्यादा सुटेबल होती है, हमने इतनी सारी मेटल्स पढ़ी जो हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट होती है एक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन के ऊपर है जिंक के अलावा वो भी तो डिस्प्लेस कर सकती है, वो क्यों नहीं करती और हाइड्रोजन जिंक की क्यों करता है, तो इसका रीज़न तो हमें पता होना चाहिए, ओके। तो देखते हैं रीजन्स, क्या रीजन्स है जिसकी वजह से हम जिंक को प्रीफर करते हैं। चलो देखो, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ एसिड वायलेंटली। फर्स्ट तो यदि हम बात करें सोडियम एंड पोटेशियम की, जो एक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आते हैं, वो दोनों बहुत ज़्यादा वायलेंटली क्या हो जाती है, उनकी रिएक्शन हो जाती है। जब हम उनकी एसिड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं उनको, तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाती है, इसलिए हम उनको हाइड्रोजन के फॉर्मेशन में हम क्या नहीं कर सकते हैं, उनका यूज़ नहीं कर सकते हैं, प्रीफर नहीं किया जाता है, बन सकती है उससे लेकिन प्रीफर नहीं करते हैं, रीज़न आपको बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, ओके। तो समझ आया कि सोडियम एंड पोटेशियम को हम क्यों यूज़ नहीं करते हैं। चलो धीरे धीरे बात कर रहे हैं हम कि जिंक ही क्यों होता है और अदर जो मेटल्स है वो क्यों यूज़ नहीं होती है। तो दो मेटल्स का तो हमने देख लिया क्यों यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन क्या होती है, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाती है, ओके। नेक्स्ट देखो, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर एक्सपेंसिव। कैल्शियम और मैग्नीशियम सोडियम एंड पोटेशियम के कंपैरिजन में यूज़ की जा सकती है, रिएक्शन वायलेंट होती है बट कम होती है, ठीक है, थोड़ी बहुत होती है बट कम होती है। लेकिन यदि हम दूसरा फैक्टर कंसिडर करते हैं इनका कि ये क्यों यूज़ नहीं होती है, इतनी सुटेबल क्यों नहीं होती है, तो सेकेंड फैक्टर कंसिडर किया जाता है इनका कि कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और इतनी एक्सपेंसिव चीज़ हाइड्रोजन फॉर्मेशन में सुटेबल नहीं होती है, ठीक है, तो इसलिए वायलेंट भी है थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं है पर कुछ तो वायलेंट है रिएक्शन में, ठीक है, तो वायलेंट रिएक्शन भी है एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये एक्सपेंसिव भी होती है, ठीक है, इसलिए हम क्या नहीं यूज़ करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोजन प्रिपेयर में इतनी ज़्यादा सुटेबल नहीं होती है जिंक के कंपेयर में। समझ आया? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम भी क्या हुआ, हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, रीज़न एक्सपेंसिव होती है। आगे देखो, एल्यूमिनियम फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव कोटिंग Al2O3 ड्यू टू इट्स ग्रेट इफिनिटी ऑफ फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। अब बात आती है एल्यूमिनियम की,
एल्यूमिनियम का क्यों यूज नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम होता है वो Al2O3, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की सरफेस पे कवरिंग बना लेता है, लेयर बना लेता है। सरफेस पे क्या कर लेता है? कवरिंग बना लेता है, ऑक्साइड लेयर बना लेता है। और ऐसा क्यों करता है? क्योंकि एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करने की कैपेसिटी होती है, बहुत अच्छी एफिनिटी होती है। वो ऑक्सीजन के साथ में फटाफट में रिएक्ट करके क्या बनाता है? ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो जो एल्यूमिनियम है वो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना लेता है, इसलिए हम लोग एल्यूमिनियम का भी यूज नहीं कर सकते हैं। समझ आया? सोडियम एंड पोटेशियम का नहीं कर सकते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का भी नहीं कर सकते हैं, एंड अब हम एल्यूमिनियम का भी नहीं कर सकते हैं। रीजन पता चल गया होगा आपको क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सरफेस पे ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। तो अब एल्यूमिनियम भी इस लिस्ट में आ गया है, उसको भी हम क्या नहीं कर सकते हैं? यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, आयरन हैज टू बी हीटेड बट देन द हाइड्रोजन थस प्रोड्यूस्ड कंटेन इम्प्योरिटीज लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड। आयरन का भी क्या कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं हाइड्रोजन प्रिपरेशन में, लेकिन क्या होता है कि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज आती हैं। जब हम क्या करते हैं, आयरन के थ्रू हाइड्रोजन प्रिपरेशन करते हैं, हाइड्रोजन को बनाते हैं, उसके थ्रू हाइड्रोजन तो बनती ही बनती है रिएक्शन में, लेकिन कुछ इम्प्योरिटीज भी बन जाती है, जिससे हाइड्रोजन को अलग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, या फिर हम बात बोले कि इम्प्योरिटीज को निकालना डिफिकल्ट होता है। इसलिए हम लोग क्या यूज़ नहीं करते हैं? आयरन का यूज़ नहीं करते हैं। तो आयरन का यूज़ क्यों नहीं होता है, समझ आ गया? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के साथ साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी बन जाती हैं। आगे देखो, लेड रिएक्ट्स विद डायल्यूट सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म्स एंड इनसोल्यूबल कोटिंग ऑफ लेड सल्फेट, देयर फॉर फर्दर रिएक्शन इज प्रिवेंटेड। लाइक हमने एल्यूमिनियम की बात की थी कि एल्यूमिनियम क्या कर लेती है? प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है। उसी तरह है यदि हम लेड की रिएक्शन करवाते हैं एसिड्स के साथ में। ठीक है, पीवी की यदि हम किसके साथ में करवाएंगे रिएक्शन? एसिड्स के साथ में, लाइक डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। यदि इन दोनों के साथ में लेड की रिएक्शन करवाई जाती है, तो ये क्या बना लेती है? एक प्रोटेक्टिव इनसोल्यूबल लेड सल्फेट की, PbSO4 की लेयर बना लेती है। समझ आ रहा है क्या हुआ? जैसे ही लेड पीबी की हमने रिएक्शन करवाई हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो क्या होता है? वो PbSO4 की एक प्रोटेक्टिव एक लेयर बना लेता है सरफेस पे, ठीक है, इनसोल्यूबल लेयर बना लेता है, जिससे आगे रिएक्शन हो ही नहीं पाती है। जब आगे रिएक्शन हो ही नहीं पा रही है, तो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इस वजह से हम लेड का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो PbSO4 की क्या बनाता है? कवरिंग लेयर बना लेता है, जिससे आगे रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो समझ आया हम लेड का यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम पीवी को भी कैंसिल कर सकते हैं। रीज़न पता चला क्यों? ठीक है, तो देखो, सिर्फ इसीलिए जिंक सुटेबल होता है क्योंकि जिंक इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसकी रिएक्शंस होती है वो वायलेंट भी नहीं होती है, और अदर प्रॉब्लम्स भी इसके साथ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटेक्टिव, कवरिंग या इनसोल्यूबल लेयर्स भी ये फॉर्म नहीं करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ में, यदि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं। समझ आया? तो अब समझ आया या पता चला हमें कि सोडियम, पोटेशियम एंड अदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, किसको छोड़ के? जिंक को छोड़ के, ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन प्रिपरेशन में हेल्पफुल क्यों नहीं होते या सुटेबल क्यों नहीं होते, ये रीजंस आपको पता होने चाहिए। ओके, चलो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं फॉर्म एल्किलीज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्किलीज। ठीक है, हाइड्रोजन का हमें डिस्प्लेसमेंट किससे करना है? एल्केली से। पहले हमने किससे किया था? एसिड्स से किया था। अब हम करने वाले हैं एल्केलीज से क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट करेंगे। देखो, एम्फोटेरिक मेटल सच एज जिंक, एल्यूमिनियम, टिन, लेड लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एल्केली। कोई भी एल्केलीज है, कंडीशन होनी चाहिए हॉट और कंसंट्रेटेड एल्केली होनी चाहिए। ठीक है, उसकी रिएक्शन यदि हम किससे करवाते हैं? एम्फोटेरिक मेटल्स। अब एम्फोटेरिक मेटल्स का मतलब पता होना चाहिए,
जो किससे रिएक्ट करे, एसिड से भी रिएक्ट कर सकती है और एल्केली से भी रिएक्ट कर सकती है, ठीक है। बेस से भी क्या कर सकती है, रिएक्ट कर सकती है, उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स। तो आई होप आपको समझ आया होगा एम्फोटेरिक मेटल क्या होती है। तो एम्फोटेरिक मेटल्स कौन कौन सी है, लाइक जिंक, एल्यूमिनियम, टिन एंड लेड, ये सब क्या करती है हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके। कौन कौन सी बताई मैंने आपको, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन एंड लेड, ओके। ये चारों मेटल्स होती है, वो क्या करती हैं, किसी भी एल्केली के साथ में रिएक्शन करवा लो उनकी, रिएक्ट करके क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करती हैं। ये जनरल आपको मैंने रिएक्शन लिख के बताई है, ये आपको क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए, पता होना चाहिए। और ये रिएक्शन, ये मेटल्स कौन सी होती है, एम्फोटेरिक मेटल्स होती हैं। और एम्फोटेरिक मेटल्स क्या होती है, मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्शंस कैसे होती हैं। जिंक थी, जिंक है, ठीक है, उसका हमने करवाया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, ये हॉट और कंसंट्रेटेड है, ठीक है। इसके साथ में हमने रिएक्शन करवाई तो हमारे पास में बना Na2ZnO2, इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। और साथ में किसका प्रिपरेशन हुआ, किसका फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोजन गैस का, समझ आया। चलो अब देखते हैं Pb के साथ में हमने रिएक्शन करवाई सेम की, तो हमारे पास में बना सोडियम प्लम्बेट और साथ में क्या बनी, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ। तो समझ आ गई यहाँ तक कि एल्केली से हम कैसे बनाते हैं। अब आपको पता होनी चाहिए मेटल्स फ्रॉम एल्केली, एल्केली से डिस्प्लेसमेंट करवाया, एसिड से करवाया, लेकिन उसमें कौन कौन सी मेटल्स थी जो डिस्प्लेस कर सकती है, ये चीज़ आप लोगों को आनी चाहिए। तो वो कैसे पता चलेगी, एल्केली से डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन को कौन सी मेटल्स कर सकती है, एम्फोटेरिक मेटल्स, और जो सिर्फ चार होती हैं, कौन कौन सी, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन और लेड, ओके। इसके अलावा यदि बात करें एसिड्स की, तो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से जितनी भी ऊपर प्रेजेंट है वो सब क्या कर सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है हाइड्रोजन को, किससे, एसिड से, ओके। तो आपको क्या याद होना चाहिए, एक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए और ये चार एम्फोटेरिक मेटल्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। आगे चलते हैं, सिलिकॉन एंड नॉन मेटल ऑल्सो लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केलीज। एक नॉन मेटल होता है सिलिकॉन, ठीक है, वो भी क्या कर सकता है, नॉन मेटल है और वो हाइड्रोजन को एल्केलीज से क्या कर सकती है, लिबरेट कर सकती है, ओके। ये देखो टिन है SN, इसकी हमने रिएक्शन करवाई NaOH से, तो हमारे पास में बना Na2SiO3 और हाइड्रोजन गैस का क्या हुआ, लिबरेशन हुआ, फॉर्मेशन हुआ, ओके। तो ये आपको रिएक्शंस वगैरह पता होनी चाहिए, समझ आया यहाँ तक सबको, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने देखा कि हाइड्रोजन को हम कौन सी मेटल्स है जो उसके एसिड से डिस्प्लेस कर सकती है। फर्स्ट हमने मेटल्स देखी, ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है। फिर हमने देखा कि एल्केलीज से कौन डिस्प्लेस कर सकता है, तब हमने चार मेटल्स के बारे में देखा जो एम्फोटेरिक थी, ठीक है, मतलब वो बेस और एसिड दोनों से रिएक्ट कर सकती है। वो मेटल्स क्या करती है, एल्केलीज से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है। फिर हमने एक सिलिकॉन के बारे में पढ़ा, नॉन मेटल, जो भी हाइड्रोजन को लिबरेट करती है एल्केलीज से, ठीक है। ये सब हमने क्या देखा है, आज के वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन सी मेटल्स हाइड्रोजन को लिबरेट करती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए, थैंक यू।